गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। मैं हूँ निशांत और अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं और हम थोड़ी सी देर में यहाँ से निकलने वाले हैं गोवा के लिए। मैं और पायल जा रहे हैं गोवा, 5 दिन का हमारा हॉलीडे है। सामान हमारा पैक हो चुका है, ये एक सूटकेस है और एक ये बैग है, बस यही दो चीज़ें हैं जो हम लेके जाने वाले हैं और बाकी जो भी चीज़ होगी हम वहाँ पे शॉपिंग कर लेंगे। फिलहाल अभी जो है हम जा रहे हैं फ्लाइट से, तो इंडिगो की हमारी फ़्लाइट है 11:50 की। अभी हमारे को मैसेज आया कि 3 घंटे पहले पहुँचना है, तो हम जल्दी निकल रहे हैं। वैसे 3 घंटे 2 घंटे पहले भी पहुँचते हैं तो भी काम हो जाता है, लेकिन अभी कोरोना का टाइम चल रहा है तो जो है सिक्योरिटी चेक में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है सोशल डिस्टेंसिंग करने की वजह से और बाकी सारी चीज़ों की वजह से। बोर्डिंग पास भी हमारा ऑनलाइन निकलेगा जो कि गोवा वीबो की वेबसाइट से मैंने निकाल लिया है, वो सब कुछ सेट है। बस निकलते हैं यहाँ से और एयरपोर्ट पर मिलते हैं और देखते हैं आगे की क्या कहानी चल रही है एयरपोर्ट पर, तो चलते हैं। पहुंच गए एयरपोर्ट। को मिला ये पीपी किट टाइप का, कुछ पीपी किट नहीं है, क्या है, ओवर कोट टाइप है ये कुछ। हम लोगों को ये मिला है और इसमें है सैनिटाइजर और फेस शील्ड और मास्क, फेशियल गाउन टाइप रोब 19F 19E। उस साइड से बैठा घुमाओ इसको, घुमाओ ऐसा लग रहा है आईसीयू में जा रही है, ऐसा लग रहा है आईसीयू में जा रही है ऑपरेशन। लोग फ्लाइट से उतर रहे हैं, किसी को बैग रह गया। तो हम लोग पहुंच गए हैं गोवा और हम फ्लाइट से उतर चुके हैं और एयरपोर्ट से भी निकल चुके हैं। हमने कैंडोलिम की जो है कैब ले ली है, कैब है 1400 रुपये की एसी वाली। अब होटल पे चलते हैं और फिर वहां से देखते हैं आगे क्या क्या प्लान है। स्कूटी रेंट करेंगे और उस पर ही घूमेंगे बाकी सब जगह, तो चलते हैं। तो ये है हमारा रूम और ये है टीवी बड़ा सा और इधर चाय शाय की सामग्री है, और क्योंकि अपने अपने नशे हैं चाय पीना ज़रूरी है। और यहाँ पे टेबल भी लगी हुई है तो हम वीडियो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, एडिटिंग का जुगाड़ तो नहीं है अभी। और यहाँ से बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है, और ये है बाथरूम शावर। और एक और जो चीज़ है वो है यहाँ पर, ये सेफ भी है इसके अंदर। तो अभी हम आए हैं ये ट्रैवल गोवा टूर एंड ट्रैवल्स पर और यहाँ से हमने लिए फसिनो 300 रुपये पर डे पर। और
अभी बस घूमना शुरू। ठीक है तो ये दरअसल लगी हुई है, ठीक है ना भाई। हाँ। और कहाँ लगी है, और चेक कर लो थोड़ा सा, इधर है ये। साइड में इधर लगा है। और थोड़ा सा इधर है यहाँ पे टेंट, ठीक है भाई। और देख लो टूटा हुआ है, एक ये टूटा हुआ है। चलो तो ये हमने रेंट पे ले लिया है और इसका रेंट है 300 पर डे, हेलमेट साथ में है, ठीक है। लिख की भी देख लो, हेलमेट है किसमें, तेल 1 लीटर है, 1 लीटर होगा, चेक कर लो भाई। इसने रिटर्न करो, 1 लीटर दे रहे हैं। इधर सामने पेट्रोल पंप है, 2 किलोमीटर का पेट्रोल पंप है। अभी है इसमें, अभी 1 लीटर है, पक्का है 1 लीटर, डाल दो भाई। तो जहाँ से हमने स्कूटी ली थी उसके पास में एक शॉप थी जहाँ पे हमें मिल गई बिरयानी। तो आज हमारा डिनर होगा बिरयानी का। सुबह से हमने सिर्फ एक समोसा खाया और कुछ नहीं खाया, और भूख लग रही है बहुत तेज। भूखा मार गया इस लड़के ने मुझे। समोसा खिलाया 65 रुपए का एक एयरपोर्ट पे, 65 रुपए खत्म हो गए कप के। ये हमारी धुआंधार बिरयानी तो ये आ चुकी है हमारी धुआंधार बिरयानी, और शक्ल से तो बहुत ही मस्त लग रही है। पायल मैडम बताएंगी खा के कैसी लग रही है। हम पे फोन से हट जाओ, खा ही रही हूँ, खाने से पहले फोटो लेनी होती है ना, चिढ़ाना भी तो सबको। मस्त है, चलो बहुत ही जबरदस्त है। अब मैं भी खाएगा, मुंह में पानी आ रहा है। पूरा खाने के बाद ऐसे छोड़ दी प्लेट जैसे कि मैं खा नहीं रही हूँ आगे। अब ये वाला जो है ना, ये ब्राउन वाला, ये पहले भी गोवा आ चुका है तो ये ज़्यादा उछल नहीं रहा है, ये वाला ज़्यादा उछल रहा है। ये तो वहीं इधर है, पहली बार गोवा आया है, इसको ज़्यादा चुल्ल हो रही है।